कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जहां फायर ब्रिगेड के पास कुल 318 कॉल्स आए हैं। शाहदरा में कनिष्क बैंकट हॉल में आग लगी, तो वहीं मादीपुर पुलिस चौकी के पास भी आग लगी। कालकाजी में एक घर के में आग लगने की खबर सामने आई, तो वहीं पांडव नगर में एक घर में, तो कश्मीरी गेट इलाके में भी आग लगने की सूचना मिली है। दिवाली के रात अक्सर ऐसी खबरें जो हैं वो सामने आती हैं, जहां पटाखों और आतिशबाजी से कई जगहों पर आग लगने की सूचना जो मिलती है, और ऐसे में दमकल विभाग की टीम है वो पहले से ही इस बात को लेकर तैयार रहती है कि जैसे ही उन्हें कहीं से सूचना मिले वो तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य जो है वो शुरू करें। और ऐसे में इस बार आपको बताऊं 318 कॉल्स कुल जो हैं वो दिल्ली फायर ब्रिगेड की टीम को अलग अलग जगहों से रिसीव किए गए। इसमें कश्मीरी गेट इलाके में आग लगने की सूचना मिली, पांडव नगर इलाके में आग लगने की सूचना मिली। इसके अलावा आपको बताऊं कि अलग अलग जो इलाके हैं इन सभी में, चाहे वो शाहदरा हो जहां शाहदरा में कनिष्क बैंक्वेट हॉल में आग लगने की जानकारी सामने आई, तो मादीपुर पुलिस चौकी के पास भी आग लगने की खबर सामने आई। कालकाजी में भी एक घर में आग लगी, तो पांडव नगर के एक घर में भी आग लगने की सूचना सामने आई है। तो दिवाली को लेकर आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में कई घर जो हैं वो जल उठे हैं, 318 जगहों पर आग लगी है। दिल्ली में दीपावली के दौरान रात भर में दमकल विभाग को देर रात विभिन्न इलाकों से आग लगने की 318 कॉल्स मिली हैं। वहीं दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर जिले में भी कई घरों में आग लगने की घटना हुई है। इनमें सबसे अधिक ग्रेटर नोएडा वेस्ट इलाके के फ्लैट्स में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। दमकल विभाग के मुताबिक इन सभी कॉल्स को देखते हुए तुरंत गाड़ियों को भेजा गया। जब पूरा देश दिवाली का त्यौहार मना रहा था, तब फायर फाइटर्स अलग अलग जगहों पर लगी आग बुझाने की ड्यूटी में जुटे हुए थे। 31 अक्टूबर को अब तक जो जानकारी सामने आ पाई है उसके मुताबिक दिल्ली में दीपावली पर आग लगने के कुल 318 फोन कॉल्स दमकल विभाग को मिले हैं। इनमें सभी तरह के छिटपुट कॉल्स भी शामिल हैं। इसमें 10 जगह ऐसे भी हैं जहां अधिक गंभीर स्थिति थी, हालांकि किसी प्रकार की जन हानि की खबर जो है सामने नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा की अगर मैं बात करूं, तो गौतम बुद्ध नगर जिले में भी आग लगने के कई मामले सामने आए हैं। ग्रेट नोएडा वेस्ट में बने आम्रपाली जोडियक सोसाइटी की डी टावर में 11वें फ्लोर पर आग लगी और दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो दिल्ली में आपको बता दें 318 कॉल्स जो हैं वो दमकल विभाग को प्राप्त हुए दिवाली की रात, जिसमें आग लगने की जानकारी उन्हें दी गई। और दमकल विभाग की तरफ से आपको बता दें, इन परिस्थितियों से निपटने के लिए पहले ही चुनौतीपूर्ण तरीके से जो स्थितियां हैं उनको तैयार कर लिया जाता है। आयुष हमारे सहयोगी दिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आयुष, कुल 318 कॉल्स कल दमकल विभाग को मिले हैं, किन किन जगहों से ये कॉल्स आए हैं और क्या कुछ घटनाएं सामने आई हैं? जी चंदन, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि दिवाली पर आग लगने के दिल्ली में सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। 318 कॉल्स एक ही रात में, दिवाली की रात में आना, ये दर्शा रहा है कि अभी तक इतने इंसिडेंट कभी नहीं आए दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से। अभी अभी ये बड़ी अपडेट मिली है और बड़ी जानकारी है, जिसमें बताया जा रहा है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। हर बार दिवाली पर दिल्ली फायर सर्विस की टीम जो थी वो अलर्ट मोड पर रहती थी, छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती थी, अधिकारी से लेकर फायरमैन तक, फायर एक्सटिंग्विशर्स तक, किसी को भी छुट्टी नहीं दी जाती थी, क्योंकि आमतौर पर पटाखों की वजह से आग लगने की जो घटनाएं थी, दिए जलते थे, कई बार पर्दे आग पकड़ लिया करते, जिसकी वजह से घर में आग लग जाती थी, वायरिंग में आग लग जाती थी, ये सारी घटनाएं आम हो गई थी। लेकिन फायर सर्विसेज ने लगातार अपनी मेहनत से ऐसे इक्विपमेंट्स को तैयार किया था, ऐसे फायरमैन को स्पेशली ट्रेन किया था, जो दिवाली पर इमरजेंसी सिचुएशंस में तत्पर रहे, तैयार रहे, अलग अलग जगह पर उनकी डिप्लॉयमेंट की गई थी। लेकिन उसके बाद भी देखिए कितनी बड़ी संख्या है कि एक ही रात में 318 कॉल छोटी और बड़ी आग लगने की दिल्ली फायर सर्विसेज के पास आती है, जो अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ गई है। यानी अभी तक इतनी कॉल्स कभी नहीं आई थी। देखिए अलग अलग इलाकों से ये कॉल्स आई है आग लगने की, फिर चाहे वो मादीपुर हो, नांगलोई हो,
दिल्ली में अलग अलग इलाकों की बात की जाए तो कालकाजी से आई है, गोविंदपुरी से आई है, अलग अलग ऐसे इलाके हैं जहां पर आग लगने की सूचना मिली थी। इसके अलावा शाहदरा इलाके में एक बैंकेट हॉल में आग लग गई थी। अगर कालकाजी की बात करें तो वहां पर एक रिहायशी बिल्डिंग में आग लगी है। कश्मीरी गेट में सबसे पहले जब सूचना मिली थी शाम के वक्त, तो वहां पर भी एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में आग लग गई थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। अलग अलग पांच से जगहों पर 5 से 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तुरंत भेजा गया। और देखिए दिल्ली फायर सर्विसेज जिस तत्परता से इस पूरे मुहिम पर काम कर रही थी कि दिवाली के दिन कोई भी बड़ा हादसा ना हो, देखिए किसी भी प्रकार से जान की हानि अभी तक कहीं पर भी दर्ज नहीं कराई गई है। यानी देखिए आग लगी है तो स्वाभाविक है कि सामान जलेगा, माल की हानि होगी, आर्थिक नुकसान होगा, लेकिन जो लोग बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए थे, अगर रिहायशी इलाका था, जो लोग बैंकेट हॉल में काम कर रहे थे वो अंदर थे, उनको तत्परता से फायर ब्रिगेड ने और लोकल पुलिस ने निकालने का काम किया है। माधेपुर की बात करें तो वहां पर पुलिस चौकी के पास एक कूड़े के खत्ते में पटाखे गिरने की वजह से आग लग गई थी। वहां पर भी हम देख पा रहे थे कि इससे पहले फायर ब्रिगेड पहुंची, जो चौकी में पुलिस वाले तैनात थे उन्होंने ही वहां पर आसपास जो घर हैं वहां से पानी इकट्ठा किया, बाल्टियों में भरा, पाइप्स से लेकर उस कूड़े के ढेर पर डालना शुरू कर दिया था, जिससे आग पर तुरंत काबू पाया जा सके। और इसी बीच एक बड़ी घटना जो हुई थी चंदन, वो हुई थी दिल्ली में द्वारका के छावला इलाके से, जहां पर एक व्यक्ति अवैध तरीके से डीटीसी बस के अंदर पटाखे लेकर जा रहा था और अचानक से पटाखों में आग लग गई। पर आग लगने की वजह से 2 लोग उस आग में बुरी तरीके से घायल हुए हैं। डीटीसी बस के अंदर यह हादसा हुआ, अचानक से अफरा तफरी मच गई, लोग आनंद फानंद में बस से बाहर भागे हैं। और क्योंकि वो एसी बस थी, उसकी खिड़कियां बंद होती है, दरवाजे बंद होते हैं, और आमतौर पर डीटीसी बसों का क्या होता है कि जो इमरजेंसी दरवाजे हैं वो या तो लोगों को चलाने नहीं आते या फिर जाम होते हैं, तो 2 दरवाजे होते हैं एंट्री और एग्जिट के, उसी से लोग एकदम से भागे हैं वहां से अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन 2 लोग ऐसे थे जो उस पटाखों की आग की चपेट में आ गए, उनको तुरंत IGI अस्पताल में भर्ती कराया गया द्वारका के, और फिलहाल दोनों की जो हालत है वो स्थिर बताई जा रही है। तो ये कुछ बड़ी घटनाएं दिल्ली की रात को हुई है आग लगने की, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी चंदन, बहुत शुक्रिया आयुष आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली NCR के कई इलाकों में आग लगने की घटना जो है वो सामने आई है। आपको बता दूं कि दिल्ली NCR में अगर हम बात करें तो देर रात तक फायर ब्रिगेड की टीम को कॉल जो है वो मिलता रहे। 31 अक्टूबर को दिल्ली के फायर ब्रिगेड दफ्तर में आग लगने की कुल 318 कॉल्स आई हैं। ये कॉल 31 अक्टूबर से लेकर अब तक के बताए जा रहे हैं। जो आंकड़े हैं उनमें 24 घंटे के अनुसार 318 कॉल्स जो है वो सामने आए हैं। तो वहीं ग्रेटर